ग्वालियर में आर्मी के मेजर और ट्रैफिक जवान के बीच मारपीट हो जाने का विवाद इस वक्त काफी तूल पकड़ चुका है। ये पूरा विवाद कल एक्सीडेंट को लेकर हुआ था। परिजन का आरोप है कि मेजर को पुलिस उठाकर ले गई, इसके बाद गुरुवार देर रात थाने पर हंगामा हो गया। शुक्रवार को आर्मी के जवान इकट्ठा होकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर पहुंच गए, यहां नारेबाजी की। मंत्री ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। ऊर्जा मंत्री इसके बाद होटल तानसेन में पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक मेजर के बीच सुलह की कोशिश भी की गई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। दरअसल ये पूरा मामला गुरुवार शाम करीब 8 बजे का है, जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का काफिला एमआईटीएस कॉलेज इंद्रमणि नगर चौराहे से निकलने वाला था, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसी बीच शताब्दीपुरम के रहने वाले आशीष चौहान अपनी पत्नी, बहन और दोस्त के साथ कार से जा रहे थे। आशीष मेजर हैं और वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर में पदस्थ हैं। इसी दौरान इनोवा कार ने मेजर की गाड़ी को टक्कर मार दी। वो गाड़ी लेकर भागने लगा। मेजर गाड़ी से उतरकर उसे पकड़ने के लिए दौड़े। वहां मौजूद ट्रैफिक जवान ने मेजर को रोका। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मेजर ने ट्रैफिक जवान की पिटाई कर दी। हंगामा देखकर वहां से गुजर रही क्राइम ब्रांच पुलिस भी आ गई। मेजर को गाड़ी में बैठाकर गोला का मंदिर थाने ले गई। सूचना पर अफसर के परिजन समेत अन्य लोग रात में ही थाने पहुंच गए। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर केस दर्ज करने की मांग की। शुक्रवार को भी आर्मी के जवानों की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर प्रदर्शन के बाद मंत्री ने एसपी धर्मवीर सिंह और आर्मी के अफसरों को बुलाकर तानसेन होटल में करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की। बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि मामले का सम्मानजनक हल निकाला जाएगा। हम लोग सभी पूर्व सैनिक हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, और ये कल की घटना है 22 अगस्त की शाम के 7 बजे की। यहाँ पर हमारे भारतीय सेना के आशीष चौहान साहब, जो मेजर हैं भारतीय सेना में, अभी सेवा में जोधपुर में पदस्थ हैं, और यहाँ पर गोले के मंदिर थाने के 4 कॉन्स्टेबलों ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, मार पिटाई की, उनकी गाड़ी में डाल के उनकी मार पिटाई की, उनकी मैम साहब को धक्का मुक्की किया। तो इस विषय में आज हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं ग्वालियर प्रद्युम्न सिंह के बंगले से। ये मांग करते हैं कि जो चारों दोषी हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए। और ये हमारी मांग है, इन्होंने जो फौज को गलत टिप्पणी की, मैं आपके न्यूज़ चैनल पर नहीं बोल सकता, गाली दी है, पूरी फौज को, भारतीय सेना को गाली दी है। उन्होंने बोला मैं मेजर हूँ फौज का, और उन्होंने साहब ने कहा कि मैं फौज का मेजर हूँ, तो इनकी जो भाषा थी पुलिस वालों की, मेजर गिरी और फौज गिरी तेरे अंदर घुसेर देंगे, इस प्रकार का वक्तव्य दिया है। तो आज हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। मंत्री जी ने और उनके मेजर साहब के पैर में हमारे चोट लगी हुई है, पैर में बहुत उनने पिटाई की है, महिलाओं को ज्यादा अभद्रता की है। इसकी हम मांग करते हैं आज पूरे मध्य प्रदेश में इसका आंदोलन होगा और इनसे तत्काल प्रभाव से FIR हो। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम जांच करवा रहे हैं, सर्किट हाउस बुलाया है, सभी पूरा IG SP सबको बुलाया है, हमारे जो सेना के कमांडेंट साहब हैं वो भी आ रहे हैं, इसमें मध्यस्थता रखी जाएगी, उसके बाद निर्णय होगा। दोनों अधिकारी वरिष्ठ लोग बैठेंगे और उसका पूरा सम्मानजनक हाल होगा, कानून अपना काम करेगा और सामंजस्य के साथ हम दोनों पार्टियों को बैठ के बात हो गई है, सम्मानजनक हल निकलेगा, सुलह हो गया, सम्मानजनक हल निकलेगा।